हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल इंडिया धीरज सिंह में। और स्टॉक मार्केट काफी तेजी में है दोस्तों, और जिस तरह से एनबीएफसी के स्टॉक ऊपर की तरफ हैं और हाउसिंग स्टॉक ऊपर की तरफ हैं, एचडीएफसी लिमिटेड काफी तेजी में है, लगभग 2000 के ऊपर है। तो अब महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की बात करते हैं, और ये भी एक तरह से हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय से लेगार्ड बना हुआ है। जब से इसका राइट इशू आया है, लगभग 120 से 140 150 के बीच कारोबार कर रहा है। तो इसमें टेक्निकल एनालिसिस भी देखेंगे, क्या ये लगभग 160 से 180 की तरफ जाता हुआ दिखेगा आने वाले दिनों में। इसका Q2 का रिजल्ट आ रहा है, सेकंड तिमाही का रिजल्ट आ रहा है, क्या उसमें ग्रोथ दिखेगी, सेल्स बढ़ेंगे, प्रॉफिट बढ़ेंगे, तो उसके अनुसार भी ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। और जिस तरह से बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जा रहे हैं दोस्तों, उसमें लग रहा है कि अब मिड कैप के जो शेयर्स हैं, फाइनेंशियल्स जो स्टॉक्स हैं, वो भी ऊपर की तरफ जाते हुए दिख सकते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड एक तरह से डील करती है व्हीकल्स लोन में, और जैसे कि आप देखते हैं कि ये ग्रुप एक तरह से काफ़ी बड़ा ग्रुप है, और उसमें हम अगर महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल लिमिटेड को देखते हैं तो इनका जो लोन है कॉमर्शियल व्हीकल्स में है, ट्रैक्टर्स में है, कार में है, टू व्हीलर्स में है, और इनका जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी है, इंश्योरेंस ब्रोकिंग में है, लोन अगेंस्ट गोल्ड में है, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लोन में है। तो ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाने चाहिए आने वाले दिनों में। और जैसे कि RBI ने एक तरह से अनचेंज भी किया है, और RBI की जो पॉलिसी थी आज महत्वपूर्ण दिन था, और शक्तिकांत दास जी ने कहा है कि जो गवर्नर है उनका, उन्होंने कहा कि देश का मूड एक तरह से पॉजिटिव है और GDP एक तरह से सुधरेगी आने वाले दिनों में। तो उसके अनुसार हम देखते हैं तो फिर ये जो सुस्त पड़े हुए स्टॉक्स हैं, जो लेगार्ड बने हुए हैं, वो ऊपर की तरफ जाते हुए दिख सकते हैं। जैसे कि ऑटो सेक्टर के स्टॉक तो काफ़ी तेजी से ऊपर की तरफ गए। ऑटो सेक्टर में अगर हम देखते हैं तो इसी ग्रुप में देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा काफ़ी तेज हुआ है, मारुति काफ़ी तेज हुआ है, और तीसरा स्टॉक देखें टाटा मोटर काफ़ी तेज हुआ है। तो ऑटो सेक्टर के शेयर ऊपर की तरफ है, बट इनको लोन देने वाली कंपनियाँ ऊपर की तरफ नहीं है। और कुछ दिन पहले एक श्रीराम ट्रांसपोर्ट का भी वीडियो बनाया था, तो वो भी काफ़ी नीचे की तरफ है। अगर रिजल्ट अच्छा आता है दोस्तों, डेफिनेटली स्टॉक ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। इसका टीवी टेक्निकल देखते हैं और देखते हैं कि किस तरह का इसका कैंडल बना है। अक्टूबर में मंथली के हिसाब से देखेंगे, और RSI को भी लगाने की कोशिश करेंगे, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को, वो कहाँ पे का दिख रहा है तो उसको भी देखेंगे, और डेली वाइज कैंडल भी देखेंगे। फिलहाल स्टॉक तो लगभग 120 से 140 के बीच कारोबार कर रहा है, और इस वक्त इसका मार्केट कैप हम देखते हैं तो 16,414 करोड़ के आसपास का है, और फेस वैल्यू लगभग 2 रुपीज़ का है, 16 के PE पे कारोबार कर रहा है, 116 बुक वैल्यू है। फंडामेंटली स्टॉक एक तरह से ठीक है, पिछला क्वार्टरली रिजल्ट भी अच्छा आया था इसका, और इसमें राइट इशू दिया गया था, काफ़ी नीचे के भाव में था, तो उसके अनुसार अब स्टॉक लगभग उसी के आसपास कारोबार कर रहा है। तो जिनके पास है, आने वाले दिनों में डेफिनेटली ये ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। बट ये है कि क्वार्टरली रिजल्ट जो आएगा 26 अक्टूबर को इसका रिजल्ट आना है, तिमाही जो रिजल्ट आएगा 26 अक्टूबर को आना है। तो ये सारे पॉइंट्स है, और इसमें देखते हैं टेक्निकल, देखते हैं कि क्या ये ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। जैसे कि ये लगभग, और जैसे कि पिछले कुछ समय से लेगार्ड बना हुआ है, सुस्त बना हुआ है, तो शेयर मार्केट में, शेयर बाजार में देखते हैं तो फाइनेंशियल जो स्टॉक्स हैं वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ ये बिंदु हैं कि जो आने वाले दिनों में फाइनेंशियल स्टॉक्स ऊपर की तरफ जाते हुए दिख सकते हैं, और जो मिड कैप के शेयर हैं उनमें भी तेजी हो सकती है। ये आज लगभग 3 से 4% ऊपर की तरफ 134 रुपये के आसपास है। आइए टेक्निकल देखते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, और लेवल सपोर्ट और टारगेट देखते हैं। दोस्तों महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का ये चार्ट लगा हुआ है, और पिछले कुछ समय से एक तरह से लेगार्ड बना हुआ है ये, और लगभग 150 से ऊपर की तरफ नहीं जा पा रहा है। एक बार 148 तक गया था, वहाँ से फिर गिरावट रही इसमें लगभग 127 से, फिर इसमें गिरावट आई लगभग 112 से 112 तक। अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है दोस्तों, और इसका क्वार्टरली रिजल्ट आ रहा है, सेकंड तिमाही का रिजल्ट आएगा। जैसे कि कैंडल बना है, डेली कैंडल है ये, आज तेजी में है, और RBI की जो पॉलिसी है उसमें हम चेंज हुआ है, और जो हाउसिंग सेक्टर के जो शेयर्स हैं फाइनेंशियल, वो ऊपर की तरफ है, दिग्गज स्टॉक HDFC ऊपर की तरफ है। तो ये एक तरह से लोन में कारोबार, लोन देते हैं जो ऑटो सेक्टर में, ऑटो सेक्टर के शेयर भी काफ़ी तेजी में है, आंकड़े भी अच्छे आ रहे हैं। तो हम ये इस शेयर को अगर देखते हैं, अगर रिजल्ट अच्छा आता है और टेक्निकली इसके हिसाब से देखते हैं तो लगभग इसका जो हडल बना हुआ है, देखिए जैसे कि ये 135 के आसपास कारोबार कर रहा है,
तो बीच में छोटे मोटे हर्डल हैं 137 के आसपास, उसके बाद आपको दिखेगा 142 के आसपास। ये अगर 147 के ऊपर अगर क्लोज होता है तब इसमें एक तेजी आ सकती है, और वो तेजी जैसे कि ये आपको दिख रहा होगा लगभग 158, और जो बुलिश एक होगा ये, अगर हम इसको मंथली वाइज के हिसाब से भी देखते हैं, अगर एक बुलिशनेस आएगी 158 से 160 के बाद इसमें एक बहुत बड़ी तेजी आ सकती है, लगभग वहाँ से 10 से 15% बढ़ सकता है। तो इसको मंथली कैंडल के हिसाब से देखते हैं दोस्तों। देखिए ये अभी ये इस तरह से ड्रॉप आया था काफ़ी नीचे की तरफ है, और पिछले कुछ समय से तो लगातार ये नीचे की तरफ ही है। एक तरह से आपने देखा कि जो दिग्गज स्टॉक है वो ऊपर की तरफ नहीं जा रहे थे, कुछ जो फाइनेंस के स्टॉक्स हैं वो एक तरह से ऊपर की तरफ गए, बट ये अब जो है यहाँ पे एक तरह 130 से 140 के बीच काफ़ी टाइम ये रहा, और एक गिरावट आई इसमें सितंबर के मंथ में। अब ये अक्टूबर के मंथ में एक ग्रीन कैंडल बन रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ओपन हुआ था 124.85 रुपये, और ये हाई किया है 136.50 रुपये, और लो भी 124.25 रुपये, और क्लोजिंग अभी चल रहा है ये 134.95 में चल रहा है, और इसका हम जो सपोर्ट अगर देखते हैं 124 का होगा, 124 का होगा, बट ये अब थोड़ा सा अप ट्रेंड में है। तो अप ट्रेंड में जैसे कि अभी आपको बताने की कोशिश, लगभग 147 और 150 के ऊपर अगर क्लोज होता है उसके बाद 158 का इसका हडल बनेगा, और वो लगभग अगर 160-158 के आसपास एक हडल है इसका, जैसे कि ये कैंडल के आसपास, और लगभग 160 से 180 का एक टारगेट रखना चाहिए। रिजल्ट आ रहा है डेफिनेटली, उसमें अच्छा रिजल्ट आना चाहिए, और वो जो क्वार्टरली रिजल्ट होगा नेक्स्ट 3 मंथ में किस तरह का कारोबार कर सकता है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, वो भी एक का झलकेगा। अगर हम RSI को लगाते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को लगाते हैं, तो लगभग देखिए अभी काफ़ी नीचे की तरफ है, 33 के आसपास है, तो अभी बढ़ने में अब ये यहाँ से बढ़ सकता है दोस्तों। और अगर हम इसका डेली कैंडल में के डेली के हिसाब से देखते हैं तो लगभग 55 यानी मीन 70 के आसपास अभी टाइम है, लगभग 15-20% जब ये बढ़ जाएगा तब इसमें फिर एक गिरावट हो सकती है। मार्केट के साथ भी चलना चाहिए, ये कि निफ्टी अगर नीचे की तरफ आएगा तो ये स्टॉक भी नीचे की तरफ आ सकता है, बट ये कि जिस तरह से अब फाइनेंशियल स्टॉक्स में तेजी है, अगर लॉजिक के हिसाब से देखें हम, तेजी फाइनेंशियल स्टॉक्स में बनी हुई है, और जो मिड कैप के जो लोन देने वाले शेयर्स हैं वो नहीं बढ़े हैं, उसमें से महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल भी नहीं बढ़ा है, तो ये स्टॉक में अगर आपकी नज़र है तो इसको ये आने वाले दिनों में तेज होता हुआ दिख रहा है, और जो अक्टूबर का कैंडल है एक तरह से ग्रीन कैंडल बन रहा है ये। तो दोस्तों ये महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का अपडेट था, एनालिसिस था, और इसमें आने वाले दिनों में तेजी संभव है, और एक तरह से RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने भी कहा है कि ग्रोथ बनने की संभावना है, तो उसके अनुसार हम देखते हैं जो फाइनेंशियल स्टॉक्स हैं वो ऊपर की तरफ जाने चाहिए। ये ऑटो सेक्टर में डील करता है, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज का अगर रिजल्ट भी अच्छा आता है तो डेफिनेटली स्टॉक ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। तो दोस्तों ये अपडेट था, ये इन्फॉर्मेशन थी, और भी वीडियो अपलोड किया है, येस बैंक का किया है, HDFC लिमिटेड का किया है, HDFC बैंक का है, SBI का है, एक्सिस बैंक का है, और वीडियो अपलोड करते रहते हैं। उसके लिए आप लोगों को करना कुछ नहीं है, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए और लाइक करिए, शेयर करिए, फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।